वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक और चीज आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फेसबुक एड चलाने से पहले। जी हाँ, ये स्टेप भी करना बहुत जरूरी है और बहुत से लोग इस स्टेप को मिस कर देते हैं, इसलिए वैसे वो अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाते और अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए आपने क्या करना है, एड चलाने से पहले आपने ये स्टेप भी जरूर जहन रखना है। और ये नेक्स्ट स्टेप क्या है एड चलाने से पहले, आप देखें जरा, आपने क्या करना है, अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करना है। किससे? फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम अकाउंट से। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो अपना फेसबुक पेज तो बना लेते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं करते, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग मैसेंजर पर तो बात करते हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा बहुत से कस्टमर हैं और बहुत से कस्टमर के साथ मेरा भी ताल्लुक हुआ है, मेरी भी बातचीत हुई है, वो क्या करते हैं, वो अपना नंबर देते हैं व्हाट्सएप पर बात करने के लिए। इससे मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग व्हाट्सएप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत मैसेंजर के। जी हाँ, बहुत से लोग मैसेंजर पर आ तो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रेफरेंस करते हैं व्हाट्सएप पर बात करना। तो अगर आपका पेज पर व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का नंबर नहीं होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये साइकी बन चुकी है कि व्हाट्सएप काफ़ी बेहतर है मैसेंजर से, इसीलिए बहुत से लोग व्हाट्सएप को भी प्रेफरेंस देते हैं। जी हाँ, मैं भी अगर कस्टमर के नज़रिए से देखूँ, अगर मैं भी किसी चीज़ को ख़रीद रहा हूँ, ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, किसी की सर्विस या प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ, तो मैं भी मैसेंजर की बनस्बत मैं व्हाट्सएप को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप पर अच्छी खासी वीडियोज़, पिक्चर्स और जो भी चीज़ बात करनी है हर चीज़ शेयर हो जाती है। लेकिन मैसेंजर पर नुकसान क्या होता है, मैसेंजर पर मेरा ये नुकसान होता है कि मैं अगर कोई वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई लिंक शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूँ, तो वो मुझे बहुत कन्फ्यूजन करता है, मुझसे समझ भी नहीं आता, और बहुत सी चीज़ें मैसेंजर पर होती भी नहीं है। और उसमें वॉइस का भी एक मसला है कि आप एक मिनट से ज़्यादा वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जबकि व्हाट्सएप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग, मुझे मिलाकर बहुत से लोग व्हाट्सएप को प्रेफरेंस देते हैं कि व्हाट्सएप पर हम बात करें और व्हाट्सएप पर ही कस्टमर के साथ अपने डील करें, और व्हाट्सएप पर ही हमें जो प्रोडक्ट और सर्विस खरीदनी है व्हाट्सएप पर ही हम डील करें। इसलिए मैं आपको यही गाइड करूंगा, यही प्रेफरेंस दूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं फेसबुक एड में, तो आपने अपना बिजनेस अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जरूर फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये कनेक्ट कर पाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। जी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में, कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होता है और एक व्हाट्सएप पर्सनल अकाउंट होता है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप लिखें, तो दो ऐप आएंगी हमारे पास। कौन सी? एक तो व्हाट्सएप पर्सनल अकाउंट का व्हाट्सएप ऐप होती है और दूसरी व्हाट्सएप बिजनेस की होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर आपने फेसबुक पेज बनाया है, तो याद रखिएगा कि आपका व्हाट्सएप पर्सनल और प्राइवेट अकाउंट कभी भी आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप लिखना तो है, लेकिन उसके बाद आपने बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। जी हाँ, बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे तभी आपकी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा भी है कि वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उनका पर्सनल अकाउंट बना होता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट की वजह से वो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इसी वजह से वो बिजनेस व्हाट्सएप करते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे होते हैं और वो फेसबुक पेज के साथ, और मेरे पास काफी क्वेरीज भी आती हैं कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो कभी कनेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, व्हाट्सएप पर्सनल प्राइवेट अकाउंट कभी भी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं होता, आपने फेसबुक बिजनेस पेज कनेक्ट करना है। जब आप फेसबुक बिजनेस पेज कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन भी होगा, आपके पास आगे जाकर ये जब आप फेसबुक ऐड चलाएंगे तो आपके पास ये चॉइस भी होगी कि आप अपनी ट्रैफिक को, जो भी आप कस्टमर को दिखा रहे हैं, उसको आप व्हाट्सएप पर भी लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, बिजनेस व्हाट्सएप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लिंक बना सकते हैं, अपने कस्टमर को लिंक दे सकते हैं, बहुत सारी कैटलॉग बना सकते हैं, अपने नंबर को शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट में ये नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। इसलिए आपने सिर्फ ये करना है, सिर्फ इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, और व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप बनाना है, उस पर अपने नंबर डालना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद अपने पेज और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करके आपने ये यूज़ करना है व्हाट्सएप बिजनेस। और ये कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पर चलकर, कि आपने फेसबुक पेज से कैसे अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करना है और अपने पेज के साथ और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे व्हाट्सएप बिजनेस आपने अपने फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना है।
जी हाँ, अगर आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम कनेक्ट है तो आपने सिर्फ फेसबुक पेज पर जाकर अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर देना है। और वो कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये मेरा पेज है शहरयार अरशद का। आप यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक सेटिंग ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपने क्या करना है, एक व्हाट्सएप का यहाँ पर ऑप्शन होगा। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूंगा, मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा नंबर शो हो जाएगा जो मैंने अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपका यहाँ पर नंबर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये करना है कि कनेक्ट व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा कनेक्ट व्हाट्सएप। तो आपने क्या करना है, जब आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस बना लेंगे तो आपने यहाँ पर कनेक्ट व्हाट्सएप करना है। कनेक्ट व्हाट्सएप करने के बाद आपने अपना नंबर डालना है, और इजीली जब आपने नंबर डाल लिया तो कोड वगैरह कुछ आएगा, वो करने के बाद आपका इजीली यहाँ पर आपके फेसबुक पेज से, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको मैंने बताया कि आपने कैसे अपने फेसबुक पेज के साथ, अपने इंस्टाग्राम के साथ आपने व्हाट्सएप कनेक्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकें। ये आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन इसी चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, क्योंकि इसी चीज़ों ने मुझे आगे जाकर बहुत अच्छे प्रॉफिट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपने एड्स चलाने से पहले कुछ कुछ स्टेप ज़रूर करने हैं ताकि आप वो गलती ना करें जिसकी वजह से मेरा टाइम काफ़ी ज़ाया हुआ। जी हाँ, तो आज की वीडियो में आपको बताया कि आपने कैसे अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है अपने फेसबुक पेज से। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको मैं और फेसबुक एड्स के बारे में और चीज़ें बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, और फिर आपको मैं एक वीडियो में आपको पूरा एक एड रन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक एड्स से पहले कुछ स्टेप्स हमें देखने हैं। कुछ लोग वो स्टेप नहीं करते, इसी वजह से वो अच्छे रिजल्ट्स और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते जैसे मैं कर पाता हूँ। जी हाँ, इसी वजह से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपने कैसे अच्छे रिजल्ट जनरेट करने हैं और अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। With the